नया फोन आता था तो पुरुष ही खुद को उसके स्वाभाविक जानकार मानते थे। उन परिस्थितियों से, उस पुरानी सोच से अब हमारा समाज आगे निकल रहा है और आज का ये कार्यक्रम इसका एक उदाहरण बना है कि भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। ड्रोन पायलट नमो ड्रोन दीदियों का कौशल अभी मैं मैदान में जाकर के देख के आया हूं। मेरा विश्वास है और मैं जी कुछ दिन पहले मन की बात में ऐसे ही एक ड्रोन दीदी से बात करने का मौका मिला था। उसने कहा मैं एक दिन में इतने खेत में काम करती हूं, एक दिन में इतने खेत में मेरी इतनी कमाई होती है, और बोले मेरा इतना विश्वास बढ़ गया है और गांव में मेरा इतना सम्मान बढ़ गया है, गांव में मेरी पहचान बदल गई है। जिसको साइकिल चलाना भी नहीं आता है उसको गांव वाले पायलट कह करके बुलाते हैं। मेरा विश्वास है देश की नारी शक्ति 21वीं सदी के भारत की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व दे सकती है। आज हम स्पेस सेक्टर में देखते हैं, आईटी सेक्टर में देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं कैसे भारत की महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। और भारत तो महिला कमर्शियल पायलट के मामले में दुनिया का नंबर वन देश है। हवाई जहाज उड़ाने वाली बेटियों की संख्या हमारी सबसे ज्यादा है। आसमान में कमर्शियल फ्लाइट हो या खेती किसानी में ड्रोन्स, भारत की बेटियां कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है। और इस बार तो 26 जनवरी आपने देखा होगा टीवी पे, 26 जनवरी के कार्यक्रम में कर्तव्य पथ पर सारा हिंदुस्तान देख रहा था नारी की नारी 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 का ही ताकत का जलवा था वहां पर। साथियों, आने वाले सालों में देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तार होने वाला है। छोटी छोटी मात्रा में दूध, सब्जी और दूसरे उत्पाद अगर नजदीक के मार्केट तक पहुंचाना है तो ड्रोन एक सशक्त माध्यम बनने वाला है। दवाई की डिलीवरी हो, मेडिकल टेस्ट के सैंपल की डिलीवरी हो, इसमें भी ड्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी नमो ड्रोन दीदी योजना से जो बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं उनके लिए भविष्य में अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं। माताओं बहनों, बीते 10 वर्षों में जिस तरह भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ है वो अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। इन महिला स्वयं सहायता समूहों ने भारत में नारी सशक्तिकरण का नया इतिहास रच दिया है। आज का इस कार्यक्रम से मैं स्वयं सहायता समूह की हर बहनों को, उनका मैं गौरवगान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनकी मेहनत ने महिला स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख समूह बना दिया है। आज स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार ही नहीं किया बल्कि 98% समूहों के बैंक अकाउंट भी खुलवाए हैं, यानी करीब करीब 100%। हमारी सरकार ने समूहों को मिलने वाली मदद भी 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। अभी तक 8 लाख करोड़ से, अब आंकड़ा छोटा नहीं है, आप लोगों के हाथ में 8 लाख करोड़ रुपयों से भी अधिक की मदद बैंकों से मेरी इन बहनों के पास पहुंच चुकी है। इतना पैसा सीधा सीधा गांव में पहुंचा है, बहनों के पास पहुंचा है। और बहनों का स्वभाव होता है, सबसे बड़ा गुण होता है बचत।
वो बर्बाद नहीं करती, वो बचत करती है। और जो बचत की ताकत होती है ना, वो उज्जवल भविष्य की निशानी भी होती है। और मैं जब भी इन दीदियों से बात करता हूं, ऐसी ऐसी नई नई चीजें मुझे बताती है, वो उनका आत्मविश्वास बताता है। अनेक सामान्य मानवी कल्पना नहीं कर सकता है। और जो इतने बड़े स्तर पर गांव में आजकल जो सड़कें बनी हैं, हाईवे बने हैं, इसका लाभ भी इन समूहों को हुआ है। अब लखपति दीदियां अपने उत्पादों को शहर में जाकर आसानी से बेच पा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से शहर के लोग भी अब गांव में जाकर इन समूहों से सीधी खरीद करने लगे हैं। ऐसे ही कारणों से बीते 5 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों की आय में 3 गुना की वृद्धि हुई है। साथियों, जिन बहनों को उनके सपनों को, आकांक्षाओं को सीमित कर दिया गया था, आज वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का विस्तार कर रही हैं। आज गांव देहात में नए नए अवसर बन रहे हैं, नए नए पद बने हैं और लाखों की संख्या में बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी और सर्विस सेक्टर से जुड़ी दीदियां गांव में सेवाएं दे रही हैं। ये दीदियां स्वास्थ्य से लेकर डिजिटल इंडिया तक देश के राष्ट्रीय अभियानों को नई गति दे रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को चलाने वाली 50% से अधिक महिलाएं और 50% से अधिक लाभार्थी भी महिलाएं हैं। सफलताओं की ये श्रृंखला ही नारी शक्ति पर मेरे भरोसों को और ज्यादा मजबूत करती है। मैं देश की हर माता, बहन, बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। और मैं देखता हूं कि कई बहनें अब शायद स्वयं सहायता समूह की अपनी मिले बैठे का छोटा सा आर्थिक कारोबार किया, ऐसा नहीं, कुछ लोग तो मैंने देखा है गांव में बहुत सी चीजें कर रही है, खेलकूद स्पर्धाएं कर रही है, स्वयं सहायता समूह बहनों को प्रोत्साहित कर रही है, जो बच्चियां पढ़ती हैं उनको बुला करके, लोगों को बुला करके उनसे बातचीत करवाती है। खेलकूद में जो बच्चियां गांव में अच्छा काम कर रही है, स्वयं सहायता समूह की बहनें उनका स्वागत सम्मान करती है। यानी मैंने देखा है कि कुछ स्कूलों में इन स्वयं सहायता समूह की बहनों को भाषण के लिए बुलाते हैं, उनको कहते हैं आपका सफलता का कारण बताइए, और स्कूल वाले भी बड़े बड़े आतुरतापूर्वक सुनते हैं, बच्चे टीचर सुनते हैं। यानी एक प्रकार से बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया है। और मैं स्वयं सहायता समूह की दीदी से कहूंगा, मैं अभी एक योजना लाया हूं, जैसे ड्रोन दीदी है ना, वो तो मैंने आप ही के चरणों में रख दी है। और मुझे विश्वास है जिन माता और बहनों के चरणों में मैंने ड्रोन रखा है ना, वो माताएं बहनें ड्रोन को आसमान में तो ले जाएगी, देश के संकल्प को भी इतना ही ऊंचा ले जाएगी। लेकिन एक योजना ऐसी है जिसमें हमारी स्वयं समूह की बहनें आगे आए। मैंने एक योजना बनाई है पीएम सूर्यघर। ये पीएम सूर्यघर की विशेषता यह है, एक प्रकार से मुफ्त बिजली की ये योजना है, बिजली का बिल 0। अब आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सब बताएं तो मैं बोलूं, कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। हमने तय किया है कि हर जो परिवार में छत होती है उस पर सोलर पैनल लगाना, सूर्य किरण से बिजली पैदा करना और उस बिजली का घर में उपयोग करना। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाले परिवार बहुत कम होते हैं। पंखा हो, एयर कंडीशन हो, घर में फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, तो 300 यूनिट में गाड़ी चल जाती है।
मतलब आपका जीरो बिल आएगा, जीरो बिल। इतना ही नहीं, अगर आपने ज्यादा बिजली पैदा की, आप कहेंगे बिजली पैदा तो बड़े बड़े कारखाने में बिजली पैदा होती है, बड़े बड़े अमीर लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, हम गरीब क्या कर सकते हैं। यही तो मोदी करता है, अब गरीब भी बिजली पैदा करेगा, अपने घर पर ही बिजली का कारखाना लग जाएगा, और अतिरिक्त जो बिजली बनेगी वो बिजली सरकार खरीद लेगी, उससे भी हमारी इन बहनों को, परिवार को इनकम होगी। तो आप ये पीएम सूर्य घर, उसको आप अगर आपके यहां कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं सब बहनों को कहूंगा, स्वयं सहायता समूह की बहनों को कहूंगा कि आप मैदान में आइए और इस योजना को घर घर पहुंचाइए, आप इसका कारोबार हाथ में ले लीजिए, आप देखिए कितना बड़ा बिजली का काम अब मेरी बहनों के द्वारा हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है, हर घर में जब जीरो यूनिट बिजली का बिल हो जाएगा ना, पूरा जीरो बिल, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, और उनका जो पैसा बचेगा वो अपने परिवार के काम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये योजना का सबसे ज्यादा लाभ हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उसका नेतृत्व करके अपने गांव में करवा सकती हैं। और मैंने सरकार को भी कहा है कि जहां जहां स्वयं सहायता समूह की बहनें इस काम के लिए आगे आती हैं, हम उनको प्राथमिकता देंगे और जीरो बिल बिजली का इस अभियान को भी सफलतापूर्वक मुझे आगे बढ़ाना है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।